हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल SSA PRT की मेरिट आ गई है, और जिन साथियों ने नहीं देखी है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि कौन कौन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनको कहाँ पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने देख लिया होगा YouTube वगैरह पे, लेकिन जो क्वेश्चन आए तो इसके बाद मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो अभी आप सबसे पहले अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज हैं। जैसे मान के चलो नॉर्थ में 8 वैकेंसी हैं, तो इसके 3 गुना कैंडिडेट्स को वहां पे जाना है। मतलब नॉर्थ में कितनी वैकेंसीज है, 8। टोटल कितने कैंडिडेट्स जाएंगे वहां पे, 24। अब आपको कैसे पता करना है, लिस्ट में 24 टॉप स्टूडेंट्स देखने हैं, अगर आप उसमें हो तो आपको वहां पे जाना है। इसके बाद बात आती है साथियों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, किस दिन जाना है और कहां जाना है। ये क्वेश्चन शायद सभी के माइंड में होगा, तो अभी मैं एक बार ये आपको बता देता हूं। तो कल एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया नाइट में, उसका क्वेश्चन था कि सर, जो ये 3 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जा रहे हैं वहां पे, कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, क्या इन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, ये इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि कई बार काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है, हो सकता है कि उनका सीट एट ना हो तो उन्हें वो रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो वैलिड कैंडिडेट्स होंगे उनको वो वहाँ पे ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ये सोचो, अगर 8 वैकेंसीज हैं तो टॉप जो 10 है उनमें से, मतलब 8 में से कितने हो सकते हैं, 1-2 का गलत हो सकता है इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो जो टॉप 10 है उनकी ही ज्वाइनिंग होनी है जहां तक है। इसके बाद अभी बात करते हैं कि कैंडिडेट्स को, जो PRT कैंडिडेट्स हैं उनको कब जाना है। तो इसमें एक नोटिस लिखा हुआ है, ऑल द जनरल एज वेल एज रिजर्व कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर ऑफिस ऑफ DDE ऑन 23 जनवरी एंड 24 जनवरी। टाइमिंग क्या रहेगी, 10 से 5 बजे तक की, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की। जो ये टॉप 3 गुना स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, इनको 23/1/2019 और 24/1/2019 को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में पहुंचना है। और आप सुबह 10 बजे ही पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी होगी। तो इसमें क्या, ये PRT कैंडिडेट्स के लिए है। और इसके बाद आपको बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं साथ में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपको साथ में लेके जाना है। CTET क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो CTET का सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद देयर ओरिजिनल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, और मतलब जो भी है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे साथ में लेकर जाने हैं। इसके बाद जो भी आपका SC ST OBC जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ लेकर जाना है। और अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है, PH में है, तो उसको वो सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद आपको 2 फोटो लेके जाने हैं, और मैंने YouTube चैनल्स पे देखा है कि वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको 2 फोटो लेके जाने हैं, लेकिन साइड में साथियों ये लिखा हुआ है, 1 फोटो अटेस्टेड होना चाहिए और 1 होना चाहिए प्लेन। 1 फोटो आपके साथ होगा जो अटेस्टेड होगा, 1 होगा प्लेन। मैं कह रहा हूं कि आप 4-5 फोटो साथ में ले जाएं और उनमें से 1-2 अटेस्ट करा लें। इसके बाद फोटो आईडी कार्ड भी लेके जाना है साथ में। फोटो आईडी कार्ड मतलब
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इस टाइप के जो कार्ड हैं वो आपको साथ में लेकर जाने हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट है, जितने भी ऊपर आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका एक अटेस्टेड, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करा के एक अटेस्टेड सेट भी साथ में लेके जाना है, जो वहाँ ऑफिस में जमा भी करना है। ये शायद आपको बताया नहीं बताया, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। जितने भी कैंडिडेट्स जाएंगे वहाँ पे, जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, इनकी कॉपी करा के ये अटेस्ट कराने आपको। और इसके बाद क्या करना है, ये कॉपी वहाँ पे जमा होगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट बताया गया है। तो ये नहीं कि कभी आप ये लेके नहीं ना जाएं, हो सकता है कि आपको वहां पे दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो ये चीजें भी आपको आपके साथ लेके जानी है। और इसके बाद जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जिन्होंने नॉर्थ का सिलेक्ट किया था तो उनको किस जगह जाना है, तो अभी आप देखते रहिए, ये ऑफिस एड्रेस दे रखा है यहाँ पे। तो ईस्ट वालों का जो ऑफिस एड्रेस है वो कहाँ पर है, SV आनंद विहार। ऊपर का जो पूरा एड्रेस है आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। तो SV आनंद विहार नियर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास में ये। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट है, और साथ में साथियों इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो कितने चलते हैं, आप इनके कभी ये नहीं कि इनके सहारे बैठे रहें कि कॉन्टैक्ट मतलब कॉल कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट का क्या है, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, RPVV बी ब्लॉक, यमुना विहार, दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट का है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, एड्रेस चेक कर सकते हैं। नॉर्थ वालों का क्या है, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, ये सर्वोदय विद्यालय लखनऊ रोड, और ये DU मेट्रो स्टेशन के पास है, ये बड़ा आराम से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट ए, तो ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ए, BL ब्लॉक है, शालीमार बाग। तो ये बड़ा इजी एड्रेस है, तो ये कहाँ पे है, शालीमार बाग के वहां पे है, तो आराम से आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। नॉर्थ वेस्ट बी, ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट बी, FU ब्लॉक, पीतमपुरा। तो ये पीतमपुरा में है। इसके बाद जो और है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। इसके बाद आता है वेस्ट ए, तो ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ए गवर्नमेंट, COED, इंडस्ट्रियल एरिया, नियर मोती नगर। तो ये कहाँ पे, मोती नगर के पास में है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। वेस्ट बी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, G ब्लॉक, विकासपुरी। तो ये कहाँ पे, विकासपुरी में है, आपको ये भी आराम से मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट ए, डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट ए, C4 लेन, वसंत बिहार विहार, एन दिल्ली 57, बिहाइंड टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। तो ये कहाँ पे है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है, उसके पीछे है, कहाँ पे, वसंत विहार में। इसके बाद है साउथ वेस्ट बी, डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट बी स्कूल कॉम्प्लेक्स, GB SSS मतलब गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंबर 1, नजफगढ़। और ये कहाँ पे, नजफगढ़ में है, तो ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद है साउथ वाला, डिस्ट्रिक्ट साउथ Sector 3 RK पुरम N, ये कहाँ पे, नियर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद है न्यू दिल्ली या सेंट्रल वाला है, जो डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली सेंट्रल, Plot No. 5 ओल्ड महिला कॉलेज बिल्डिंग, झंडे वाला, लिंक रोड, दिल्ली। तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको ये न्यू दिल्ली के आसपास मिल जाएगा।
तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिन साथियों का सिलेक्शन होने वाला है उन सभी को शुभकामनाएं, और उम्मीद यही है कि TGT का भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का काला बटन नीला करके जरूर जाए। जय हिंद।